वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आज मैं फिर से क्लास 10th का जो 27 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था जिला चंदौली में, उसका मैं आंसर की लेके आया हूँ, जो कि इससे आप लोग इस आंसर की से अपना क्वेश्चन का आंसर मिलान कर लीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन नंबर दिया है, यह कोड 931 824 ईएल है। आइए देखते हैं, दिया है खंड ए। क्या खंड ए दिया है? कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या दिया है? प्रकाश के परावर्तन नियम सदैव सत्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या दिया है? केवल अवतल दर्पण के लिए दिया है, केवल उत्तल दर्पण के लिए दिया है, केवल समतल दर्पण के लिए दिया है, इनमें से सभी दिया है। तो प्रकाश का परावर्तन किसके लिए सत्य होता है? तो ये प्रकाश का परावर्तन का नियम केवल समतल दर्पण के लिए सत्य होता है। क्या? समतल दर्पण के लिए सत्य होता है। तो यहाँ से ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित यानी कि आभासी बोल रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। तो उत्तल लेंस से बन सकता है, अवतल दर्पण से बन सकता है, यानी कि उत्तल दर्पण से बना, ए और सी। तो यहाँ पे आपका उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक और आभासी बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक और आभासी बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। क्या? अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है, यानी कि जिसका सबसे अधिक प्रतिरोध होता है वो क्या कहलाता है बेटा? ये विद्युत प्रतिरोधी कहलाता है, विद्युत रोधी कहलाता है। क्या? विद्युत रोधी कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत शक्ति की इकाई है। क्या? विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या कहलाएगी बेटा? तो विद्युत शक्ति की इकाई सभी लोगों को पता है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। तो यह कितना हो जाएगी? यह 9 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सूत्र लगता है, उस सूत्र से हल हुआ है। क्या? यह इसका सूत्र जो लगता है उस सूत्र से ही हल हुआ है। तो हल करके अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डाल दूंगा इसलिए, या फिर एक फार्मूला आपका होता है उस फार्मूले से। ये देखिए क्या दिया है, क्यू बराबर आई आर टी, ये फार्मूला होता है हमारा, क्यू बराबर आई आर सॉरी कैपिटल टी आई आर टी। क्या होता है? आई आर टी। तो बोला है किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर जा रहा है, यानी कि जब एक दूसरा टाइम में क्या हो रहा है, आई पहले आई था, अब कितना हो जा रहा है? 3 गुनी हो जा रहा है। क्या होता है? आई इस आई और देखिए क्या हो जाता है, सॉरी ये क्वेश्चन में आई आई स्क्वायर आर टी होता है। क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है। तो पहले क्यू था आई गुना आई था, अब कितना हो जाएगा? 3 आई, यानी कि 3 आई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 आई, तो 3 गुना हो गया। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर कर देते हैं इनटू आर टी, और जब इनका तुलना कर देंगे तो यहाँ से आर टी से आर टी कट जाएगा। तो क्यू का मान कितना? क्यू डैश बराबर किसके बराबर हो जाएगा? आपका 3 का स्क्वायर 9, यानी आई स्क्वायर से आई कट जाएगा, यानी कि 9 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 9 गुनी हो जाएगी। इसलिए यहाँ से 9 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके उसके नेत्र में कौन सा दोष होगा? तो आप लोग को पता होना चाहिए उसके नेत्र में कौन सा दोष होगा। तो एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। क्या है? तो यानी कि उसको दूर को नहीं दिखाई दे रही है। क्या? दूर को नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका ऑप्शन होगा निकट दृष्टि दोष। क्या? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आप लोग अच्छे से किए होंगे क्वेश्चन, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। और प्रकाश से जितना भी क्वेश्चन आया था
देखिए आया वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण, क्या एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक का मा उल्टा अत्यधिक क्या छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी क्या, वस्तु की स्थिति यानी वस्तु कहाँ पे है। तो ऑप्शन दिया है फोकस पे, दूसरा ऑप्शन है ध्रुव और फोकस के बीच में, वक्ता केंद्र पे और अनंत पे। तो ऑप्शन क्या होगा, अनंत पे होगा। इसका मैंने वीडियो लाइट चैप्टर का परावर्तन का दर्पण का मैंने बना चुका हूँ और उस वीडियो में बहुत अच्छा से समझाया हूँ, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप उस वीडियो को जरूर देखें, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसमें मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं कैसे होगा। जैसे में वस्तु कहाँ है, वस्तु हमारी तो बहुत दूर है, ठीक है, अवतल दर्पण ये हो गया। वस्तु कहाँ है, वस्तु अनंत पे है। तो वह अनंत पर रखी वस्तु क्या होती है, पहले समतल दर्पण से टकराती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, टकरा कर क्या करती है, टकराने के फोकस से क्या होती है, वापस चली जाती है। दूसरी वाली भी यही काम करती है, इससे आएगी और फोकस से वापस चली जाएगी। तो ये जो मेरा फोकस होता है इसी पर क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है, लेकिन सबसे छोटा ये प्रतिबिंब बनता है, यानी कि फोकस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो मेरा सबसे छोटा होता है, यानी कि वस्तु कहाँ रहेगी, अनंत पर रहेगी। कहाँ रहेगी, अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सेक्शन टू आ गया, यानी कि सब सेक्शन टू। अब कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्या कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्या विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, तो कौन निकलती है बेटा, तो जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से जो गैस निकलती है वो मेरी हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्या हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाए जाने वाले अधातु कौन है, यानी कि अधातु कौन है, ब्रोमीन है, क्या है ब्रोमीन, क्या है ब्रोमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोपेन में क्रियात्मक समूह है, तो प्रोपेन में क्रियात्मक समूह क्या होगा बेटा, क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, क्या सी डबल बॉन्ड ओ, जिसे कीटोन नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉलम ए में दिए गए यौगिकों को सुमेल कॉलम बी में दिए गए उदाहरण से निम्नलिखित, तो बोला है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या होता है संरचना, एल्काइन का क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, हेलो एल्केन का क्या होता है। तो सबका संरचना दिया हुआ, आपको क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ए का बी जो एल्डिहाइड है, क्या ए का बी, तो ए कहाँ दिया है, एल्डिहाइड, तो उसका बी हो गया, यानी कि ये बनेगा, क्या ये बनेगा सी एच ओ, तो एल्डिहाइड क्या होता है क्रियात्मक समूह, सी एच ओ, सी एच ओ, यहाँ से ये बन गया, तो ए का बी हो गया। अब बी का डी यानी एल्काइन, एल्काइन का सूत्र क्या होता है, सी एन एच टू एन माइनस टू होता है, क्या होता है, सी एन एच टू एन माइनस टू, तो सी एच थ्री, तो यहाँ से एल्काइन का बी हो गया, यहाँ से बी का क्या हो गया, डी, बी का डी देखिए सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी डबल एच, तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन सही होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 13 पे चलते हैं, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, क्या कार्बन परमाणु की संयोजकता, तो बच्चे बच्चों को याद है कितनी होती है, चार होती है, कितनी होती है, चार होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे 13 नंबर हो गया। अब उपभाग 3 में वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था उत्सर्जन, किससे, उत्सर्जन से जो भी हमारे शरीर का क्या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं बाहर चले जाते हैं, क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है, तो ग्लूकोज का पायरुक अम्ल में विखंडन यह क्रिया नहीं होती है, क्या यह क्रिया नहीं होती है, ठीक है। प्राकृतिक चरण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया, कौन किया था बेटा, चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग से किस पौधे में किए थे, मतलब कि मेंडल ने सबसे अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे, मेंडल ने प्रयोग मटर के पौधे में किए थे, क्या मटर के पौधे में किए थे। निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होता है, एकलिंगी होता है, यानी कि पपीता, पपीता एक ऐसा पौधा है जिसमें क्या होता है कि पुष्प
एक लिंगी होता है, क्या होती है, एक लिंगी यानी कि अनसेक्सुअल होता है। नेक्स्ट है, मादा जनन तंत्र में किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। तो मादा जनन अंग में कि किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है, बेटा गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। क्या, गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, या डॉक्टरों के माध्यम से स्थापित किया जाता है ताकि अनचाहा गर्भधारण न हो सके। और बाकी आप लोग तो जानते हैं। किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो किण्वन के बारे में इसका आप समझ जाएगा, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न नहीं होती है। क्या, यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न नहीं होते, बाकी यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यह प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है, इस क्रिया में पायरोट या पायरिक अम्ल C2O एथेनॉल में परिवर्तित होता है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, यही ऑप्शन आपका गलत है। इसके बाद देखिए, खंड बी में दिया है, अवतल दर्पण के लिए दो उपयोगों को लिखिए, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचिए, जब कि वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में हो, फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच में हो। ये सब सारे क्वेश्चन मैं वीडियो में एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट और फिगर के साथ साथ मैं बनाया हूँ, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। अब भी अगर आपको कोई डाउट होती है तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, आपको कोई डाउट नहीं बचेगी। तो ये सब क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया है, अपवर्तन के नियम क्या है ये भी आप लोग को पढ़ाया हुआ आया हुआ है, ओम का नियम मैं बार बार बोल रहा था कि ओम का नियम जरूर लिखिए, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुण का उल्लेख कीजिए, ये सब सारा चीज़ क्वेश्चन बताया हुआ गया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अर्थ समझाइए, किसी विद्युत जनित द्वारा विद्युत उत्पादन में किसी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई थी, आप लोगों ने अच्छा किया होगा। उसके बाद सेक्शन टू से क्या दिया है, केमिस्ट्री का दिया है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए, सब आसान सा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, फिर भी थोड़ा से पेपर का जो लेवल था वो क्या था कि कॉन्सेप्ट पे आधारित था। क्या, कॉन्सेप्ट पे आधारित था, कि यानी कि जो बच्चा पढ़ा है अच्छे से वही पेपर को अच्छा कर सकता था, और जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो इस पेपर को, उसको पेपर थोड़ा नहीं समझ में आएगा। जो पहले के पेपर होते थे उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, क्या उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। और सारा क्वेश्चन जो दिया था वो सब लगभग लगभग थोड़ा से अलग करके दिया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया था, क्षार अम्ल दिया था, ठीक है, पोषण किसे कहते थे, और उसके बाद मानव में लिंग निर्धारण, ये सब प्रक्रिया आप लोग को बताई गई थी, और आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा। जो अगला नेक्स्ट पेपर है वो भी पेपर आप लोग का अच्छा जाएगा, अपने तैयारी को सुदृढ़ करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।